नमस्कार दोस्तों, एशिया कप खत्म हो चुका। फाइनल श्रीलंका ने जीता। तो एशिया कप खत्म होने के बाद अब हम इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स के मैच को कवर करेंगे। एशिया कप की बात करें तो वन साइड विनिंग की है। 13 मैच थे, 13 मैचों में से 11 मैचों में क्लीन स्वीप किया है। 2 मैच एवरेज गए, बाकी 11 में से 7 मैचों में ग्रैंड लीग विन की। बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, आप लोगों के साथ मिलकर की बहुत भाइयों ने ग्रैंड लीग विन की। 4 मैचों में एवरेज रहा, यानी कि एशिया कप बहुत अच्छा, फैंटेसी का सबसे अच्छा गया दोस्तों, सबसे अच्छा। अगर आपको प्रूफ चाहिए टेलीग्राम पर जाकर देख लो, अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो देख लो, अभी भी यूट्यूब पर है। यानी कि जो प्रेडिक्शन किया था उसी हिसाब से फाइनल मैच में भी बेस्ट गया। जिस प्लेयर्स को टीम में ले रहे हैं सही समय पर सही सिलेक्शन कर रहे हैं वन साइड का। तो दोस्तों आप देखते हैं कौन से और मैच स्टार्ट होंगे। इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन के तो सिर्फ 2 ही मैच है, तो उसके बाद देखते हैं रोड सेफ्टी मैच चले हुए हैं या कोई और अच्छे मैच होते हैं उनको कवर करने। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इंडिया वुमेन वर्सेज इंग्लैंड वुमेन के सेकेंड T20 मैच को कवर करेंगे, जो कि काउंटी ग्राउंड डर्बी में 13 तारीख को 10:30 पर खेला गया था। तो दोस्तों इंडिया वुमेन पिछला मैच अपना लॉस करके आ रही है, तो उसी को ध्यान में रखेंगे कि पिछले मैच में क्या हुआ, किस प्लेयर्स को लेना है, कैसी पिच रिपोर्ट्स है, क्योंकि पिछला मैच दूसरी पिच पर हुआ था और यह मैच काउंटी ग्राउंड की पिच पर होगा। तो क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, इंडिया के 6 प्लेयर्स लेने हैं या 6 प्लेयर्स इंग्लैंड के लेने हैं, क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या बेस्ट कैप्टन कौन होगा, तो सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इस पिच पर अब तक 8 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैच, सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम यहां पर ज्यादा मैच जीती है। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो बैटिंग पिच हो गई, यानी कि फर्स्ट टाइम बैटिंग करती है। स्कोर्स भी आप देख रहे हैं कि एवरेज स्कोर 138-140 के बीच है, जो कि अच्छा है। हाईएस्ट स्कोर 176 का है। ये दोस्तों वोमेन्स के मैच की बात कर रहा हूं, तो यानी कि बहुत अच्छी है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इसके हिसाब से अपनी टीम बनाएंगे। बाकी लास्ट मैच 2 मैच की बात करें तो इस पिच पर जो कि जुलाई में खेले गए थे इंग्लैंड वोमेन्स ने और साउथ अफ्रीका वोमेन्स के बीच, इसमें इंग्लैंड वोमेन्स ने 148 रन बनाए थे, 6 विकेट खो दिए थे, तो साउथ अफ्रीका वोमेन्स ने 151 रन बनाए थे 4 विकेट होकर। यानी कि इंग्लैंड वोमेन यहां पर अपने मैच हार रहा था और जबकि इंग्लैंड के ही ग्राउंड पर था। दूसरा मैच इस पिच पर जो खेला गया लास्ट का इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, इसमें इंग्लैंड 111 रन बना पाए, 9 विकेट खो दिए, जबकि साउथ अफ्रीका ने इस मैच को भी विन कर लिया। तो देखे तो इस पिच पर थोड़ा बैटिंग करना एवरेज है। बाकी रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। आपको पता है इंडिया ने फर्स्ट टाइम बैटिंग करते हुए 132 रन बनाए थे और 7 विकेट गवा दिए थे, और इंग्लैंड ने बड़े आसानी से इस मैच को 1 विकेट खोकर 13 ही ओवर में चेंज कर लिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस सीरीज में इंग्लैंड का पर्दा पलड़ा भारी है, तो उसी के हिसाब से टीम बनाएंगे। और हमने देखा पहला मैच इस तरह से, तो सेकंड मैच के भी ज्यादातर चांसेस इसी तरह के होंगे, तो उसी हिसाब से हम अपने प्लेयर सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लेइंग 11 की और कौन किस किस प्लेयर्स को मैं अपनी टीम में ले रहा हूं। तो मैं यहां पर ड्रीम 11 ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बता दूं कि मैं किस प्लेयर्स को ले रहा हूं, आप किस प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं, कौन आपके लिए बेहतर हो सकता है। विकेट्स कीपर की बात करें तो सबसे पहले विकेट्स कीपर में 2 ऑप्शन है, एक तो ए जॉन्स, एमी जॉन्स और रिचा पुल्स, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, बिल्कुल दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। एमी जॉन्स 4 नंबर पर बैटिंग करेंगे, इंग्लैंड टीम की कप्तान है। हालांकि पिछले मैच में तो इनकी बैटिंग नहीं आई थी क्योंकि टॉप ऑर्डर ने ही चेंज कर लिया था रन को, तो इसी प्रकार इसीलिए इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, एमी जॉन्स का 47% है, जबकि ये काफी अच्छी बैट्समैन है, हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, यानी कि एक बेस्ट ऑप्शन है यार विकेट कीपर के लिए। रिचा घोष पिछले मैच में 12 रन बनाए, 1-2 स्टंपिंग की कैचेज मिली, तो उससे इनके अच्छे पॉइंट्स हुए। हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर 6 नंबर पर है, लेकिन रिचा घोष भी अच्छी है, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो रिचा घोष को लेना है, अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करता है तो एमी जॉन्स को लेना है। ये यहां पर ये इफेक्ट रहेगा विकेट कीपर में। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं बैट्समैन की। मेरे हिसाब से स्कोर्स भी थोड़ा 140-150 के बीच होगा या थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पिच थोड़ी बैटिंग पर है, तो इस हिसाब से आप 4 बैट्समैन लेकर चलेंगे। तो यहां पर डी व्हाइट को लिया हुआ है, अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में 35 रन बनाए, यानी कि अच्छी है। हरमप्रीत कौर
पिछले मैच में डिस्ट्रिक्ट प्लेयर थी लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, इंडिया मैच हार गई थी पता नहीं कहां, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया फिलहाल मोस्ट इंडिया वुमेन्स की टीम मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे बेस्ट टीमों में से एक है। सारे मैच अभी विन करे, श्रीलंका के खिलाफ खेल कराई वहां पर क्लीन स्वीप किया और कॉमनवेल्थ में अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो इसलिए टीम अच्छी है। देखते हैं आज के मैच में कौन जीतेगा, इंग्लैंड वुमेन इंडिया वुमेन्स कॉमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों। बाकी मैंने हरमप्रीत कौर को लिया, यहां पर मैंने समृति मंदाना को ड्रॉप किया हुआ, हालांकि पिछले मैच में लय में दिखी जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा परफॉर्मेंस किया, सेम परफॉर्मेंस यहां पर किया, लेकिन इस मैच में मेरे को थोड़ा लगता है कि इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, तो मैंने यहां पर इनको ड्रॉप करने का रिस्क लिया है। फिर मैंने जेमिमा रोड्रिक्स पिछला मैच नहीं खेली थी तो शेफाली वर्मा को अपनी टीम में लिया हुआ है, हालांकि पिछले मैच में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई लेकिन फिर भी 20 पॉइंट्स मिले इनको, इंडिया की तरफ से कोई भी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया। शेफाली वर्मा को मैंने इसलिए अपनी टीम में लिया हुआ क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने एक ओवर डाला, हालांकि उसमें 11 रन दिए लेकिन इस मैच में भी एक ओवर डालती है तो विकेट्स मिलने के चांसेस रहेंगे, इसलिए मैंने ओपनर्स में से समृति मंदाना को ड्रॉप किया क्योंकि ये ओवर डालेंगी तो विकेट्स मिलने के चांसेस और बैटिंग भी अच्छी कर लेती है, तो यहां पर मेरे हिसाब से और सेलेक्शन परसेंटेज 36% है तो इसलिए मैंने इनको लिया हुआ। तो आप चाहे तो शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके समृति मंदाना के साथ जा सकते हो जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, यह भी अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि समृति मंदाना फिलहाल फॉर्म में है, तो मैंने थोड़ा रिस्क यहां पर शेफाली वर्मा को लिया हुआ है। बाकी नीचे कोई खेलेगा नहीं और ना ही मैंने किसी को लिया हुआ है। ऑलराउंडर की बात करें तो दोस्तों मैंने दीप्ति शर्मा को लिया हुआ है, पूजावत राकुर को लिया हुआ है, एक कप सिंह और बी समित को लिया हुआ है। बी समित पिछले मैच में 2 ओवर डाले 1 विकेट ली, अच्छी इंपोर्टेंट रहेगी, हालांकि ओवर ओवर डालती है तो क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है और अभी जो 100 वुमेन्स के मैच थे उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसी तरह एक कप सिंह कॉमनवेल्थ गेम में लास्ट ही मैच खेले थे, वन डाउन बैटिंग करती है, बॉलिंग भी कर लेती है, विकेट मिलने के चांसेस और बैटिंग भी अच्छी कर लेती है, तो मैंने एक कैप्सी को लिया हुआ है। तो दोस्तों दीप्ति शर्मा आप अगर ग्रैंड लीग की बाकी टीमें बना रहे हैं या ज्यादा टीम बना रहे हैं तो आप दीप्ति शर्मा को ड्रॉप करके पूजा वत्राकर या फिर सने राणा को लेना है। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो उसमें आपको कन्फर्म दीप्ति शर्मा को ड्रॉप करके पूजा वत्राकर और सने राणा को आप अपनी टीम में ले सकते हैं, क्योंकि बार बार बोलता हूं बिना रिस्क के तो ग्रैंड लीग नहीं विन होगी। फिलहाल ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, आप मिनी ग्रैंड लीग में यूज कर सकते हो लेकिन उसमें आप पूजा वत्राकर और सने राणा को अपनी टीम में ले सकते हो, या एक कैप्सी को ड्रॉप करके आप सने राणा पूजा वत्राकर में से ले सकते हो क्योंकि यहीं से कोई एक ग्रैंड लीग का यूनिक प्लेयर्स निकल सकता है, क्योंकि पूजा वत्राकर बैटिंग भी अच्छी कर लेती है और इसलिए बैटिंग आने के चांसेस भी हैं, तो यहाँ पर आप इसको ट्राई कर सकते हो। पिछले मैच में हालांकि अच्छा नहीं कर पाई तो ये नहीं है कि आप अगले मैच में इसको ट्राई नहीं करोगे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी ऑलराउंडर्स की बात करें तो सोफिया एक्लेस्टोन डेथ में बॉलिंग करती है, पूरे 4 ओवर बॉलिंग करती है, एक अच्छी ऑप्शन है, तो मैंने सोफिया एक्लेस्टोन को अपनी टीम में। सारा ग्लेन पिछले मैच में क्या जबरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेट्स लिए, इंग्लैंड की टीम को अकेले ही जितवा दिया, तो यानी कि सारा ग्लेन पूरे 4 ओवर डालेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर्स है, तो मैंने इसलिए इनको अपनी टीम में लिया। और चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो क्योंकि फॉर्म को देखते हुए, खासकर स्मॉल लीग में। फिर इंडिया की तरफ से मैंने एक बॉलर रेणुका सिंह को लिया हुआ, विकेट टेकिंग बॉलर है, पिछले मैच में 4 ओवर डाले, हालांकि इकोनॉमिकल भी रही लेकिन कोई विकेट्स नहीं मिला, मेरे को इनसे उम्मीद थी कि 2 से 3 विकेट्स लेंगी लेकिन इंग्लैंड की टीम अच्छा परफॉर्मेंस किया, 1 ही विकेट्स गिरा उनका, तो दोस्तों वो भी सने राणा ने लिया था, तो इसलिए ये मेरी टीम हो गई। अब मैं टीम का प्रीव्यू दिखा देता हूं, ये दोस्तों मेरी टीम का प्रीव्यू है स्मॉल लीग की टीम का। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप विकेट्स कीपर में ऋचा घोष को ले सकते हैं, ऋचा घोष को ड्रॉप करके एमी जोन्स को ले सकते हैं। अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप ऋचा घोष के साथ जा सकते हैं। बाकी बैट्समैन बात करें तो डी वाई हरमप्रीत कौर, सोफिया डंकली और शेफाली वर्मा, आप चाहो तो शेफाली वर्मा की जगह पर समृति मंदाना को ट्राई कर सकते हैं जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। बैट्समैन की बात करें तो दीप्ति शर्मा, समित और एक कैप्सी है। अगर आप ग्रैंड लीग की ज्यादा टीम बना रहे हैं, आप ग्रैंड लीग बना रहे हैं, ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं, तो आपको बता दिया था दीप्ति शर्मा को ड्रॉप करके या तो आप सने राणा को अपनी टीम में ले लो या फिर आप पूजा वत्राकर को अपनी टीम में लो या फिर आप इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर्स को ड्रॉप करके पूजा वत्राकर या दीप्ति सने राणा में से किसी एक को ले सकते हो। बॉलर्स मैंने सोफिया एक्लेस्टोन, सारा ग्लेन, रेणुका सिंह को लिया हुआ है। फिर दोस्तों कैप्टन की बात करें तो कैप्टन मेरे हिसाब से हरमप्रीत कौर अच्छा रहेगी, पिछले मैच में हालांकि
सेकंड वन डाउन बैटिंग करती है तीन नंबर पर, तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। एक आधे ओवर बैटिंग से बॉलिंग कर लेती है, विकेट्स मिलने के चांसेस होती है, यानी कि थोड़ा सेफ ऑप्शन है। आप चाहो तो शेफाली वर्मा को भी बना सकते हो, वो भी सेफ ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि पिछले मैच में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे। बाकी वाइस कैप्टन सारा ग्लेन एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहो तो रेणुका सिंह को वाइस कैप्टन बना सकते हो, कैप्टन सारा ग्लेन को बना सकते हो, दीप्ति शर्मा को बना सकते हो। तो दोस्तों ये मेरी टीम हो गई। बाकी ग्रैंडली की टीम आप लोगों को बता दिया, आप कैसे बना सकते। अब दोस्तों मैं आपको 12th मैन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, 100% ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, लो कंपटीशन है, विनिंग के चांसेस ज्यादा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्स का लिंक है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया मैं कहूंगा एक बार ट्राई जरूर करके देखे। और साथ ही साथ रेफरल कोड है, अगर आप रेफरल कोड को यूज करते हैं तो आपको 20% कैश का बोनस मिलेगा।